गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज आई विल टीच यू सब्जेक्ट ईवीएस ऑफ फिफ्थ क्लास। आवर चैप्टर नंबर 9, पेज नंबर 35 एंड आवर चैप्टर नेम प्रोड्यूसिंग फूड। फूड को प्रोड्यूस करना, ओके स्टूडेंट्स, कि फूड कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, भोजन का निर्माण। ओके स्टूडेंट्स, देखिए, वी ऑल नीड फूड टू लिव। स्टूडेंट्स, हम सभी को जीवित रहने के लिए, आप सभी को पता है, जितने भी जीवित प्राणी हैं उनको जीवित रहने के लिए फूड की नीड होती है, जरूरत होती है। वी ईट अ वैरायटी ऑफ फूड एवरी डे, और हम हर रोज स्टूडेंट्स अलग अलग प्रकार के जो हैं भोजन खाते हैं। हैव यू एवर थॉट व्हेयर दिस फूड इज ग्रोन, क्या आपने कभी सोचा है कि जो ये फ्रूट है कैसे उगता है। फूड इज ग्रोन इन द फील्ड्स, जो फूड है वो स्टूडेंट्स कहाँ उगाया जाता है, कहाँ उगता है, फील्ड्स में, खेत में। ओके, खेतों में फार्मर्स ग्रो फूड फॉर अस, जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो हमारे लिए जो फूड है, भोजन जो है, खाना है, वो उगाते हैं हमारे लिए। लेट अस नो अबाउट द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अ क्रॉप, चलिए हम आइए पढ़ते हैं कि जो ग्रोइंग अ क्रॉप है उसके प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं कि क्रॉप जो है किस तरीके से ग्रो किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट है, सबसे पहले जब हम ग्रो में क्रॉप को ग्रो करना होता है तो सबसे पहला जो पार्ट होता है स्टूडेंट्स उसका होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी की तैयारी। ओके, प्लफिंग, सबसे पहले जो है स्टूडेंट्स हमें किसी भी चीज़ को उगाने के लिए, क्रॉप फसल उगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी की तैयारी। प्लफिंग, जुताई करनी पड़ती है पहले मिट्टी की, खेतों की जुताई करनी पड़ती है। द प्रोसेस बिगिंस विद प्लफिंग, जो हमारा प्रोसेस है, जो क्रॉप का ग्रोइंग का जो प्रोसेस है, सबसे पहले स्टूडेंट्स वो प्लफिंग के साथ स्टार्ट होता है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लफिंग। जो स्टूडेंट्स क्या कहा गया है, सॉइल को टर्निंग करना एंड लूजनिंग, ढीला करना, उसको ढीला किया जाता है मिट्टी, जो मिट्टी जिनके ढीले बने हुए होते हैं, बड़े बड़े जो मिट्टियाँ होती हैं उनको बिल्कुल ढीला किया जाता है। दिस इज डन बाय अ वुडन और एन आयरन प्लफ, जो स्टूडेंट्स की जुताई जो की जाती है किससे की जाती है, वुडन और एक आयरन के जो प्लफ होता है उससे की जाती है, उनके हेल्प से की जाती है। एनिमल्स आर यूज टू पुल द प्लफ इन द स्मॉलर फील्ड्स, प्लफिंग इन बिगर फील्ड्स इज डन बाय द ट्रैक्टर, सो छोटे जो स्टूडेंट्स, जो छोटे खेत होते हैं उनमें एनिमल जानवर के द्वारा ही जो है जुताई खेत की कर दी जाती है, लेकिन अगर खेत बहुत बड़ा है तो उसमें जो एनिमल है उसके द्वारा नहीं किया जा सकता है, तो वो हम एक ट्रैक्टर के द्वारा टर्न करते हैं। लाइक आप पिक्चर में देख सकते हैं, ट्रैक्टर के द्वारा जो है फील्ड की प्लफिंग की जा रही है, जुताई की जा रही है। प्लफिंग द सॉइल बाय यूजिंग अ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के थ्रू जो है खेतों की जुताई की जा रही है। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट पार्ट है एडवांटेजेस ऑफ प्लफिंग, जुताई के एडवांटेजेस गुण। फर्स्ट, इट लूजन्स एंड एरिएट इज द सॉइल सो दैट द रूट्स आर एबल टू पेनिट्रेट डीपर एंड ब्रीथ। स्टूडेंट्स, मिट्टी को बहुत ज़्यादा ढीला किया जाता है ताकि जो रूट है वो क्या कहते हैं अंदर जाने में, क्या कहते हैं बिल्कुल गहराई तक जाने में और सांस लेने में कैपेबल हो, एबल हो, सक्षम हो। सेकेंड, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनाइजम एंड वर्म्स इन द सॉइल एंड मेंटेन्स द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अब है बी पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स, लेवलिंग। लेवलिंग, आफ्टर प्लफिंग द सॉइल इज लेवल्ड विद द हेल्प ऑफ आर लेवर लेवलर एंड द फ्यूरोज आर मेड ऑफ द सॉइल। देखिए स्टूडेंट्स, मिट्टी को प्लफिंग करने के बाद, खेतों की प्लफिंग जुताई करने के बाद उसको लेवलिंग किया जाता है, उसकी जो क्यारियाँ बनाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, एडवांटेजेस ऑफ लेवलिंग,